हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल अरोमास किचन। आज हम बनाएंगे रबड़ी जैसी एकदम सॉफ्ट क्रीमी बादाम पिस्ता कुल्फ़ी। ये कुल्फ़ी मार्केट से भी ज़्यादा अच्छी बनती है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक पैन लेंगे और पैन में हम लोग दूध लेंगे 400 ग्राम, और 400 ग्राम हमने दूध ले लिया है। अब हम इसे मिक्स करते हुए इसका एक बॉयल दिलाएंगे अच्छे से, और इसे हम लोग लगातार कंटिन्यूसली विस्क करते रहेंगे। ये अब एक बॉईल आ चुका है, और अब हम इसमें कस्टर्ड पाउडर ऐड कर देंगे 50 ग्राम, और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद हम लोग थोड़ा जो बचा हुआ कस्टर्ड पाउडर था वो ऐड कर देंगे। हमें कस्टर्ड पाउडर एक साथ ऐड नहीं करना है, नहीं तो इसमें लम्स आ जाएंगे, और इसको कंटिन्यूसली विस्क करना है ताकि इसमें लम्स ना रहें। और फिर हम इसमें शुगर ऐड कर देंगे। 20 ग्राम शुगर लिया है हमने, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, और इसको इस तरीके से हम विस्क करेंगे। कुल्फ़ी बनाने के लिए हम 3-4 टिप्स यूज़ करते हैं जिससे आपकी कुल्फ़ी मार्केट से ज़्यादा अच्छी बनेगी। तो फर्स्ट टिप, आपको इस तरीके से साइड से सारी जो मलाई है वो इसके अंदर ऐड कर लेनी है। इससे आपकी कुल्फ़ी बहुत अच्छी बनती है, और इसको हमने थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के बाद इसमें मोल्ड्स में डाला है। तो ये है टिप नंबर सेकंड, और इस तरीके से हम बिना मोल्ड के कितनी अच्छी आइसक्रीम बनाएंगे। देखिए, हमने घर के ही कुछ बर्तन यूज़ करके हमने इसको मोल्ड बना लिया है, और इस तरीके से हम इस पर एलुमिनियम से कवर कर देंगे इसको, ताकि इसमें आइस ना जमे। तो ये है हमारी टिप्स नंबर थर्ड। तो इस तरीके से हमने सभी कवर कर दी हैं। हम इसको इस तरीके से कट कर देंगे ताकि हम इसमें आइसक्रीम स्टिक्स डाल पाएँ। और आप अगर इसको एल्युमिनियम से कवर करोगे तो आपकी इसमें आइस नहीं जाएगी, जिससे कि आपकी एकदम रबड़ी जैसी कुल्फ़ी बनेगी। तो ये टिप्स नंबर थर्ड था। अब हम इसको एकदम इसकी स्टिक के पास से भी इसको पूरा कवर कर देंगे, सो दैट कहीं से भी आइस नहीं जानी चाहिए। और अब हम इसे 5-6 घंटे के लिए फ्रीज कर देंगे। ये देखिए, हमारी आइसक्रीम बिल्कुल बनकर तैयार है। फिर भी हम इसे एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए, बहुत अच्छी बनी है, और कलर भी बहुत अच्छा आया है। इसको थोड़ा सा हम प्रेस करके इस तरीके से हम लोग इसको डीमोल्ड करेंगे। हमारी टिप्स नंबर 4 कि आपको इसको इस तरीके से डीमोल्ड करना है जैसा मैंने वीडियो में दिखाया था। इस तरीके से आपकी आइसक्रीम डीमोल्ड बहुत अच्छे से होगी, और इसको हम बादाम पिस्ता वगैरह से गार्निश कर सकते हैं। होप्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना। हमारी कुल्फ़ी बिल्कुल बनकर रेडी है, आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल अरोमास किचन फॉर मोर रेसिपीज़। थैंक यू गाइज़।